गुड इवनिंग गाइस, आज की डेट है 11 मई और आज है मंडे। तो आज का ब्लॉग पता है कितने बजे से मैं इतना स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। और पहले टाइम दिखाती हूँ फिर बताती हूँ लंच है या डिनर है। तो आज ये देखिए, अभी 9 o'clock हो रहे हैं इवनिंग के, और तो मैंने अपना डिनर जो है वो रेडी कर लिया है। मैंने बनाया है अरहर की दाल, चावल, चपाती बन चुकी है और मैं इनका वेट कर रही हूँ। ये गए हैं मंदिर कमल भैया के साथ। तो अब आप बोलेंगे कि मंदिर तो बंद है। जी हाँ, मंदिर सारे बंद हैं, बस ये दोनों लोग जाते हैं और सिर्फ वहाँ पे पंडित जी होते हैं और आरती करवानी होती है तो आरती करवा के वो वापस आ जाते हैं। तो मैं यहाँ की लाइट ऑन कर देती हूँ। और आज पता है मैंने ना अपना ब्लॉग, आज मैंने मशीन लगाई थी तो बहुत सारे कपड़े धुले थे। मौसम तो हो रहा था आंधी तूफान वाला लेकिन नहीं आया। मैंने अपना चश्मा इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, बहुत दिन से नहीं लगाया था, इग्नोर करती हूँ ना, तो उसी की ये वो है। तो मैंने लगा लिया है और थोड़ा सा रेस्ट मिला है मुझे, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह से मैंने अपना ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे एक रेसिपी शूट करनी थी और जब रेसिपी शूट करती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, चाहे छोटी रेसिपी हो या बड़ी रेसिपी हो। पूरी किचन को सेटअप करना होता है, तैयारी करनी होती है, फिर उसके साथ में ब्लॉग जो है बीच बीच में। मैंने सोचा कि चलो पहले शूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और स्टार्ट करते करते ये देखिए 9 बज गए। वैसे तो नहीं कर रही थी लेकिन सोचा कि चलो करते हैं। और आज मैंने रेसिपी में क्या बनाया है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगी जब ये आ जाएंगे। तो डिनर रेडी है और कपड़े जो है मैंने कुछ उठा लिए हैं, तय करके भी रख दिए, उनको जगह पर रखने हैं बस। और कुछ कपड़े यहाँ पे डले हुए हैं, गेट बंद कर दूँ पहले नहीं तो सारे मच्छर अंदर और मैं बाहर, यही होगा। ये देखो तो बंद कर दिया। तो आज हम लोग थोड़ा सा लेट डिनर करने वाले हैं और आप सब लोग कैसे हो? और आप सभी ने जो मैंने अपनी पिक्चर अपनी मम्मी के साथ आपके साथ शेयर किया था ना कम्युनिटी पे, आप सभी ने उसको इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और बेटियाँ तो माँ पर ही जाती हैं, उन्हीं की कॉपी होती है, मैं अकेली ही नहीं हूँ, सभी होती हैं। और हाँ, मेरी मम्मी भी सुंदर हैं ये सब लोग कहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग बहुत बोलते रहते हो, मम्मी को दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, मम्मी को दिखाओ। तो लॉकडाउन में तो पॉसिबल नहीं है और वैसे भी वो कैमरे में तो आती नहीं है जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ फ़ोटो ही शेयर कर देती हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। चश्मे में मैं कैसी लगती हूँ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मुझे चश्मा बिल्कुल ही पसंद नहीं लेकिन मजबूरी है, और अगर नहीं लगाती हूँ ना तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस लगता है कि शांत एक कमरे में जाके बैठ जाऊँ। तो कोई नहीं, सब ठीक है। तो कल मेरा थोड़ा सा मूड जो है शाम होते होते ऑफ हो गया था, पता नहीं क्यों, कुछ बातें होती हैं इनको लेकर के। इनकी वजह से नहीं हुआ था, किसी की वजह से नहीं हुआ था, मैं ही कुछ सोचने लग गई थी उसकी वजह से हो गया था। कोई बात नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन मैंने ही कुछ ऐसा सोच लिया कि उसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, होता है ना कभी कभी लाइफ में। तो बस यही रीज़न था, तो मैंने इसलिए ब्लॉग जो कंटिन्यू नहीं किया था। मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, मैं ऐसे 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 खुजली किए जा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। अंदर जा रही हूँ मैं और थोड़ी देर से मिलती हूँ डिनर करने टाइम पे। ओके चलो भाई, बहुत मच्छर हैं, कपड़े मैं सोते टाइम पे उठाऊँगी। तो ये देखिए मैंने बनाया है डिनर में दाल, चावल और चपाती। और ये जो करेले हैं ना ये मैंने आज नहीं बनाए हैं, इन्हें हो गए हैं 4 से 5 दिन और ये 8 दिन तक आराम से फ्रीज में चलते हैं। ये खट्टे मीठे करेले की सब्जी है तो बहुत ही टेस्टी बनी है, इसे अचार की तरह खाया जाता है। तो ये देखिए मैंने साथ में रख ली है, साथ में मैंने अनियन भी चॉप किया है। तो चलिए डिनर करते हैं, ये भी आ गए हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़ी से, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो डिनर वगैरह सब कर लिया है, बर्तन भी मैंने क्लीन करके रख दिए हैं क्योंकि बर्तन जब रात में क्लीन कर देते हैं ना तो सुबह एक नई सुबह स्टार्ट होती है, टेंशन नहीं रहती, नहीं तो सुबह उठ करके ना वही सब चलता रहता है माइंड में कि बर्तन डले हैं, बर्तन डले हैं।
तो मैं बर्तन क्लीन करके ही सोती हूँ। बहुत ही कम होता है जब मैं बर्तन छोड़ती हूँ, तो मैं इनके लिए चने डाल रही हूँ भीगने के लिए, जो कि डेली ही डालती हूँ। तो एक मुट्ठी मैंने चने लिए हैं, इनको धो करके और रख दिया है भीगने के लिए। मॉर्निंग में ये खाली पेट चने खाते हैं, पहले पानी पीते हैं गरम गुनगुना पानी, उसके बाद ये चने खाते हैं घूमते हुए। तो बस यहाँ पे चने मैंने डाल चुकी हूँ। सो गाइस, सारे काम हो चुके थे और मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी, मुझे याद आया कि आपको रेसिपी बतानी कि मैंने क्या बनाया है। ये मैंगो शेक नहीं है, ये मैंने बनाई है फ्रूटी। जी हाँ, मैंने फ्रूटी बनाई है। सारे काम हो गए हैं, अभी लाइट बंद करने के लिए मैं आऊँगी। तो मैंने बनाई है फ्रूटी और ये अंदर मैं इनको दे चुकी हूँ। ये पी के बताएंगे कि कैसी बनी है, मैं अपने मुँह से नहीं बताऊँगी कैसी बनी है। सुपर बनी है, मैं भी टेस्ट करती हूँ। मजा आ गया, बहुत टेस्टी बनी है, बिल्कुल ओरिजिनल घर की बनी हुई फ्रूटी। जो मार्केट में पीते हैं ना फ्रूटी, कितनी कम आती है ना, पता नहीं चलता कि एक घूंट में खत्म भी हो जाती है। लेकिन ये घर पे बना के पियो, आपके बच्चों को तो इतनी पसंद आएगी। बहुत टेस्टी बनी है। अब ये देखो इनकी नजर पता है कहाँ है, कुछ तो नहीं, कुछ तो बोलने वाले हो। इतनी थाली नहीं है, बराबर ही है। वो मेरा जार है ना, और आपका ये मैंने ग्लास में दिया है आपको। लो चलो, इतनी सारी तो बहुत टेस्टी बनी है गाइस। और इसकी रेसिपी आएगी श्रांजलि की रसोई पर, शायद इस ब्लॉग से पहले चली जाएगी रेसिपी, देखते हैं टाइम मिलते ही। तो मैं यही बनाया था, मैंने आज बनाई है मैंगो फ्रूटी, जो की बहुत टेस्टी बनी है। क्या बोलते हो? थैंक यू। इन्होंने तो देखो खत्म भी कर दी है, वो बोल रहे कि इतनी सारी अपने खुद के खत्म करने के बाद। मैंने यहाँ तक ग्लास अभी आपको दिखाया था ना, जितनी आपके पास उतनी मेरे पास है, और अभी बहुत सारी रखी भी है ना, बहुत सारी बनाई है मैंने। तो दो मतलब दो बड़े आम एक छोटा आम, तीन आम में इतनी सारी फ्रूटी बन के तैयार हो जाती है। तो चलो अब मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूंगी, और अभी वीडियो मुझे एडिट करना है, पूरा नहीं हुआ है, आधा ही कर पाया, तब तक मैं बीच में फ्रूटी लेने चली गई थी। डिनर वगैरह सब हम लोगों ने कर लिया था। चलिए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। तो अभी हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आज हम बाइक से जा रहे हैं, और आप बादल देख सकते हो कितना सुंदर प्यारा एकदम ब्लू कलर का हो रखा था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह कि बस पूछो मत। तो हम लोग घर से निकले थे आज 5 बजे, मतलब 4:45 बजे निकल गए थे, थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज। वैसे हम 4:30 या 4:15 घर से निकल आते हैं। तो ये गौशाला देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी लवली, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आ चुके हैं घूमने के लिए, और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं आने में। तो आज हम लोग ना यहाँ पे इस तरह से खेतों में घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ पे हम लोग आते थे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई है। तो भीड़ में घूमना जो है अभी सेफ नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे फ्रेश एयर मिल रही है, कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा। तो मैंने ना मास्क भी निकाल दिया है, थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लेंगे और बस यहीं पे लगाएंगे हम लोग राउंड वगैरह अपने, क्योंकि वहाँ पे तो जाना नहीं है। और आज हम लोग आए हैं अपनी बाइक से। आप लोग बोल रहे थे ना कि आप अपनी बाइक से क्यों नहीं आते हो, इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग साथ में 3 या 4 लोग आते हैं, भैया भाभी और हम दोनों। तो बाइक से आना आ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग कार से आते हैं। और आज भैया के पैर में दर्द था, तो आज हम दोनों ही आए हैं, वो नहीं आए, तो हम लोग अपनी बाइक से आ गए। बस घूमेंगे आधे एक घंटे, उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। घर जाके फिर वही सारे काम करेंगे, तो फिर
मिलते हैं आपसे, पहले घूम लेते हैं। तो एक्सरसाइज चालू है, थक गई मैं तो। और ये साला आपको दिख रहा है ना, गेहूं का खेत है ये, गेहूं तो कट चुके हैं आप सबको पता ही है। तो कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे आके। और मैं आपको दिखाऊं सूरज जो वो वहाँ से आने वाला है, अभी निकलेगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके सुबह सुबह। हम लोग यहीं आने लग गए हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ में बिल्कुल मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और अभी तो आपको पता है वायरस फैला हुआ है, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। एक ही खेत है जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है बस, वो पीछे वाला, और ये वहाँ पे आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो अभी बज गए हैं 6 और 1 घंटा हो चुका है, और पता है यहाँ से ना सूरज आने वाला था ना, लेकिन चला गया है। मौसम जो है ना वो बारिश वाला हो रहा है, बारिश आ सकती है। और ये वाला खेत बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन ना। ये वाला खेत नहीं, ये वाला खेत, ये खेत नहीं, ये वाला खेत ये खेत बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहीं बैठ के ना 1-2 टिकटॉक भी बनाया है अभी, तो सब कुछ करना पड़ता है। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, अच्छी हवा चल रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी हवा की, है ना, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग 1.5 घंटे और रुकेंगे यहाँ पे, और अभी वॉक करेंगे उसके बाद जाएंगे, क्योंकि मौसम अच्छा है, धूप नहीं आ रही है, और आज हम थोड़ा सा लेट भी आए हैं ना इसलिए। तो 7 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा आपको भीड़ दिखाई देगी, इसलिए हम लोग खेतों के लिए अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप कहाँ रहती हो, ये कहाँ का व्यू है, और तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, प्रॉपर एड्रेस नहीं बता सकती हूँ, और ये हमारे घर से मिनिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचने में, बहुत पास में ही है। और यहाँ पे ना बहुत सारे खेत ही खेत हैं, और आप देख सकते हो तो कितना सुंदर व्यू है, यहाँ पे गौशाला बनी हुई है, ये देखिए कितनी सारी गाय माता हैं यहाँ पे। तो बस ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए आते हैं। तो 2 घंटे घूमने के बाद, घर पहुंचने के बाद मैं थोड़ी देर पहले रेस्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ, उसके मतलब घर पहुंचने के 1 से 2 घंटे के बाद मैं बनाती हूँ चाय। तो ये हमने चाय और बिस्किट हैं, ये 2 बिस्किट बचे हुए हैं जो कि मैंने घर पे बनाए थे, बाकी के मार्केट के हैं। तो चाय पी ली मैंने, और उसके बाद घर के काम फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, डस्टिंग वगैरह मैंने सब कर ली थी। तो ये कल आटा ख़त्म हो रहा था घर में, तो ये लेके आए थे, पैकेट वाला आटा लेके आए हैं, तो बस यही मैं 3 मैंने ना कल अच्छे से धो दिया था, क्योंकि बहुत टाइम से धुला भी नहीं था ये, तो मैंने इसको अच्छे से धो करके सुखा दिया है। और इसमें अब मैं आटा भर दूँगी, और आटा वगैरह भरने के बाद फिर मुझे झाड़ू निकालनी है, ये काम मैंने झाड़ू निकालने से पहले कर लिया था, क्योंकि फिर आटा फैलता है ना इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं ये सारे काम अपने कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करना है अभी तो घर का, और उसके बाद फिर नहाना है, फिर आपको पता ही है घर के कितने सारे काम होते हैं, डेली तो शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली डेली क्या दिखाना, घर के सारे काम वही सारे काम होते हैं जो आप लोग करते हो, वही मैं करती हूँ। वैसे कुछ लोगों का कमेंट आता है कि इसमें क्या स्पेशल है, ये काम तो सभी लोग करते हैं, जो मैंने अभी क्लीनिंग वाला आपके साथ शेयर किया था ना, तो उस पर एक मैडम का कमेंट आया था कि इसमें क्या स्पेशल आप दिखा रही हो हमको, ये तो काम सभी लोग करते हैं। हाँ सभी लोग करते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं कैसे करती हूँ, अपना लाइफ स्टाइल आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना काम घर में कैसे कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नहा धोकर के आ गई हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, तो ये रात को जो चावल बनाए थे ना मैंने, वो थोड़े से बच गए थे, तो मैंने मूंगफली टमाटर वगैरह सब प्याज वगैरह डाल के बहुत अच्छे से मैंने इनको मतलब तल दिया है। तो ये मैंने नमकीन पुलाव बनाया है, बहुत ही सिंपल सा बनाया है, बिल्कुल लाइट, आप देख सकते हो उसका कलर वगैरह भी, मिर्ची वगैरह मैंने बहुत कम डाली थी।
तो बस लंच टाइम हो चुका है, दोपहर के बज रहे हैं 2 या 2:30, और मैंने बनाई है मिस्सी रोटी। रेसिपी शूट कर रही थी, सोचा एक क्लिप आपके लिए भी बना ही देती हूँ। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी शौरांजलि की रसोई पे। बहुत ही स्वादिष्ट ये मिस्सी रोटी बनके तैयार होती हैं, और तंदूरी रोटी बनाई है मैंने, तो इसके ऊपर लगा रहे हैं बटर गर्मा गर्म रोटी पे, और बटर के साथ तो ये रोटी का मज़ा ही अलग है। आप घी भी लगा सकते हो। तो बस ये रोटी मेरी बनके तैयार हो गई है। गुड आफ्टरनून गाइस, तो मैं बना रही हूँ लंच, और लंच वैसे तो बन चुका है। मैंने बनाई है मिस्सी रोटी, जो कि रेसिपी शूट कर रही थी। तो ये देखिए, ये रखी हुई है मिस्सी रोटी, इतनी बनी है, और इसमें से आधा टुकड़ा मैंने खा भी लिया क्योंकि बहुत दिन मुझे भूख लगने लग गई थी, और गरम गरम मिस्सी रोटी देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने खड़े खड़े खा ली मक्खन के साथ में। और तो यहाँ से ना अंधेरा हो रहा था, और मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मिस्सी रोटी तो बन गई, तो इसके साथ क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि पंजाबी रेसिपी है भाई मिस्सी रोटी। तो मैं इसके साथ बना रही हूँ छाछ, नमकीन छाछ बना रही हूँ मैं, बढ़िया चौंक की बनाऊंगी पुदीना वगैरह डाल के। तो ये मैं पुदीना निकाल रही हूँ, और चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से, क्योंकि बहुत ही प्यास लग रही है मुझे। पानी पीने की जगह मैं सोच रही हूँ कि छाछ पी लूँ बढ़िया ठंडी ठंडी। तो थोड़ा सा बना लेते हैं फटाफट से, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और मैं ना रेसिपी शूट करते करते इतना थक गई हूँ, अब मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं रह सकती किचन में। रेसिपी बनाते बनाते मुझे 2 घंटे लग गए हैं, और घर के सारे काम किए, घूमने भी गई थी, तो अब मैं बहुत तेज थक गई हूँ। कोई सब्जी वगैरह नहीं बना रही हूँ। मिस्सी रोटी वैसे बटर के साथ मक्खन के साथ बहुत अच्छी लगती है, साथ में है नमकीन छाछ, और अगर ये खाना चाहेंगे तो करेले की सब्जी रखी है, दाल भी रखी है, तो खा लेंगे। लेकिन मुझसे अब और कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, बस छाछ जो बना रही हूँ। ये मैंने दही निकाला है, ये घर का जमा हुआ दही है, और ये पुदीने पत्ते कुछ खराब हो गए हैं, कुछ अच्छे हैं, तो मैं अच्छे अच्छे निकाल लेती हूँ उसमें से। तो छाछ पीने का बहुत जोरों से मन कर रहा है मेरा, फटाफट बनाती हूँ। और मिस्सी रोटी ना इतनी करारी क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बनी है, मजा आ गया खा के सच में। तो मैं सारे घर के काम करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, आपको दिखाया था ना, वो ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधी लग गई थी मैं। मैंने सोचा था कि लंच के टाइम तक मेरी मिस्सी रोटी जो है बन जाएगी। तो ये पत्ते खराब हो गए हैं, ये फ्रेश है, इनको मैं धो लेती हूँ। तो ये नमकीन वाली छाछ या मठा आप कुछ भी बोल सकते हो, इसे बनाने में मिनिमम 5 मिनट का टाइम लगता है। तो ये घर का जमा हुआ मैंने दही ले लिया है, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है गर्मियों में, तो पीने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, एकदम ठंडा ठंडा। आप इसमें आइस क्यूब्स डाल के पीजिए। तो इसमें पहले मैंने दही डाला है, और इसको पहले एक बार मैं अच्छे से चला लूँगी, बाकी के मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी। तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया है, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी काली मिर्च का पाउडर। और 2 से 3 पत्ते मैं इसमें ऐड कर दूंगी पुदीने के, जिसकी खुशबू तो बहुत ही सुंदर आती है इसमें, और बहुत ही मतलब इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो मुझे धनिया का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता है, धनिया पत्ती मैं ऊपर से डालूंगी गार्निश करने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाले थे, और थोड़ा सा पानी भी डाला था ठंडा, और दही भी हमारा ठंडा था, फ्रिज का था। ऊपर से मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, ये अभी मैंने जस्ट भून के तैयार किया था क्योंकि ख़त्म हो गया था। और ऊपर से थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। और ये देखिए हमारा जो नमकीन छाछ है बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे छौंक के भी तैयार कर सकते हो, लेकिन मैंने बिना छौंके हुए बनाया है। तो ये लो छाछ बन गई। छाछ बनाने में ओनली मुझे 5 मिनट लगे हैं, और मैं जा रही हूँ अब लंच करने के लिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए ठंडी ठंडी छाछ बन गई, ऊपर से मैंने भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा धनिया डाला है, पुदीने की जो खुशबू आ रही है ना, वाह, समर में ना मतलब खाने पीने का अलग ही मज़ा है, ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है खाने में, है ना। तो चलिए फटाफट से किचन को भी क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा मैसी है। तो लंच मैंने पूरा रेडी कर लिया है, बस मैंने सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि सब्जी बहुत सारी रखी हुई है फ्रीज में, और सब्जी थोड़ा सा मैं कम ही बनाती हूँ क्योंकि आपको पता है कि सब्जी की अभी कितनी शॉर्टेज चल रही है। तो जो भी कुछ है उसी से हम लोग खा लेंगे। और मैं इनको 2 से 3 बार फ़ोन मिला चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, और किया भी तो बोला कि अभी खाना मुझे खाना नहीं है। मतलब मुझे अब ऐसा लगता है कि इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं मानी जाती है।
क्योंकि कितने भी फ़ोन मिला लो, अगर खाना है तो खाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना। मैं कितनी देर से इनका वेट कर रही थी, लेकिन इन्होंने खाना के लिए फैटी टाइम पे मना कर दिया। तो मुझे तो भूख लग रही थी, 3 बज रहे थे, फिर मैंने अपना लंच कर लिया। अगर ये मुझे पहले ही बोल देते तो मैं शायद बहुत पहले ही अपना खाना खा लेती। तो बस यहाँ पर मैं अपना खाना जो है खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए, तो लंच मैंने अपना कर लिया है और आज बहुत लेट लंच किया है, 3 बज रहे हैं। इन्होंने तो अभी किया भी नहीं है, इनको भूख नहीं लग रही। मैंने इनको फ़ोन किया था, ये सामने भाभी के घर बैठे हुए हैं और इनको भूख नहीं लग रही। तो फिर मैंने सोचा मुझे तो भूख लग रही है, मैं खा लेती हूँ, जिससे मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर अगर मैं अभी लेट खाती हूँ ना, और लेट खाती ना, तो फिर रात को फिर मैं डिनर नहीं करती हूँ। इसलिए टाइम से कर लो, भूख नहीं लग रही तो थोड़ा सा खा लो, लेकिन खा लो। तो मैंने थोड़ा सा खा लिया अपना, 1.5 रोटी खाई थी मैंने और छाछ पी लिया बस। तो मेरा लंच हो चुका है और आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो बस अब इस व्लॉग को एंड करूँगी और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी। पता है, एक बार व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ ना, तो फिर एंड करने का मन करता ही नहीं है। लगता है कि ये भी शेयर कर दो, ये भी शेयर कर दो, ये भी शेयर कर दो, और फिर आप लोग बोलते हो दीदी व्लॉग बड़ा हो गया। हो जाता है, क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं है, बड़ा है तो बड़ा ही देख लीजिए। तो मैं कुछ लोगों को विश कर देती हूँ, उनके बर्थडे है, एनिवर्सरी है, फटाफट से उसके बाद इस व्लॉग को एंड करेंगे। और चलिए फिर बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले है राहुल कुमार जी, इनका बर्थडे था 10 मई को, तो हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट है नेहा खान, है थैंक यू सो मच, मुझे लगा इनका बर्थडे है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि आप मेरा नाम लीजिए, बहुत दिन से बोल रही थी। नेक्स्ट है राकेश कुमार जी, इनका बर्थडे 10 मई को था, हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट है रजनी चोपड़ा जी, इनका बर्थडे 25 अप्रैल को था, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, सॉरी। नेक्स्ट है प्रतीक यादव, और इनका बर्थडे है 29 मई को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। एंड नेक्स्ट हैं रेखा प्लानिया के मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी है 13 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल जी आंटी जी। एंड नेक्स्ट हैं अर्चना जी, इनकी एनिवर्सरी है 14 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और नेक्स्ट है हरमीत कौर अजीत पाल सिंह जी, इनकी एनिवर्सरी है 12 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट है उदय, इनका बर्थडे है 16 मई को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट है मोनिका कौर, इनका बर्थडे है 13 मई को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सबको विश मैंने कर दिया है और आई होप आप सबको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। दुपट्टा मैंने चेंज कर दिया है, इसका दुपट्टा एक्चुअल में क्या है ना, मैंने इसके ऊपर पापड़ सुखा दिए थे, तो अभी तक ना स्मेल आ रही है उसका। इसका इस सूट का ना, ये सूट तो ठीक है, ये देखो सूट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दुपट्टा थोड़ा सा, मतलब इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो डालने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं एक कंट्रास्ट दुपट्टा इस पर डाल लेती हूँ। आप बोलते होगे कि दीदी आप मैचिंग का क्यों नहीं डालोगे, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ उसको। और उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है पापड़ वाली, मैंने उसको बहुत बार वॉश भी कर दिया है, लेकिन अब उसको यूज़ नहीं करूँगी। तो बस अब मैं इस ब्लॉग करती हूँ एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जितने मुझे लाइक मिलते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ठीक है। और जिनके भी एनिवर्सरी बर्थडे हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भी विश कर दूँगी। और थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन विश तो कर ही देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलने वाली है। मिस्सी रोटी की रेसिपी मैं शूट कर चुकी हूँ, बहुत जल्दी शेयर भी कर दूंगी शौरांजलि की रसोई पे। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि, और मेरा सेकंड चैनल है शौरांजलि की रसोई, वहाँ भी आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो मुझे, थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए बोलते हैं बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके।